He's actually very sleepy, पर मैं किचन में आया हूँ, so he had to follow me. है ना सिम्बा? And you know what just happened? I don't know. You can just see this. Just see this. एक्चुअली आई डोंट नो वॉट हैपेंड. मुझे पता नहीं क्या हुआ था उसे, क्योंकि सुबह सुबह उसने बहुत अच्छे से खाना खाया था. एंड व्हेन आई जस्ट वॉक्ड इन टू द रूम, आई सॉ दैट. जो इट्स क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर मी, क्योंकि आई वॉज हैविंग ए रियली गुड टाइम, और वो बहुत अच्छे से ट्रेन भी हो गया था. मैं उसको कुछ खाना पकड़ाता था एंड यू नो ही यूज टू होल्ड दैट, पर काफ़ी टाइम भी हो गया था. और आई गेस आई डोंट रियली नो, पर हाँ आई गॉट टू ऑफ देम. मैं दो लेकर आया था और उसके बाद एक ने दूसरे को मार दिया था. पर अब आई वॉज हैविंग ए रियली गुड टाइम, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत पसंद था मुझे वो. पर आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड, और अब मुझे आइडिया भी नहीं है मैं उस एक्वेरियम के साथ क्या करूँगा, बिकॉज आई डोंट नो. आई हैव प्लान्स, बहुत बड़े एक्वेरियम के मेरे प्लान्स हैं, पर उस एक्वेरियम आई एम थिंकिंग कि मैं उसको शायद हटा ही दूंगा अब. आई एम नॉट गोना ब्रिंग एनी अदर लॉबस्टर, क्योंकि मैं उसको इतना साल आया था और वो इट वॉज लाइक इतना बड़ा हो गया था वो. ही इज़ गुड मैन एंड यू नो दिस इज हाउ इट इज़. अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ इस एक्वेरियम के साथ. अगर आपके पास कुछ अच्छा सा है, कुछ जो कि मैं कर सकूँ उस एक्वेरियम के साथ, प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. वरना शायद से मैं उसमें अपने कॉर्न स्नेक का सेटअप ही शायद से बना दूंगा. आई डोंट रियली नो. सो या दिस इज हाउ इट इज़ for the gliders today. I have, you know, for the sugar gliders I have some corn, like almost always, kyunki unko corn bahut hi zyada pasand hai, and I kind of like them, you know, jab unko jab wo khate hain corns to bahut hi zyada cute lagte hain. inko main, you know, 2-3 din deta hu, uske baad I take a break, fir again I feed them corn. And I have some papaya also. It is good for them. पर हाँ, you should never ever give any pregnant animal papaya. ऐसा मेरी मम्मी ने मुझे बताया था. तो baby is not pregnant now. शायद से उसकी delivery हो चुकी है. तो this can be healthy for her. अभी although अभी भी जो ही जो उसका बच्चा है वो उसके pouch में भी, मतलब अभी तक है. मैंने उसको जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि आई डेंट वॉन्ट टू स्ट्रेस हर आउट, यू नो. और ये जो तीसरी कटोरी है, दिस इज़ फॉर माई रैट, फॉर सूची. तो उसको मैं कम ही फ्रूट देता हूँ अभी. आई गिव हर ब्रेड और वो सब, तो दिस इज़ दैट. और मैं इनको देने वाला हूँ बीट रूट थोड़ा सा. दैट इज़ गुड फॉर देम, और उनको वो भी बहुत पसंद है. फिर आई हैव सम बीट रूट, जो कि लग रहा है जैसे मैंने कुछ नॉन वेज पकड़ा हुआ है. तो इट्स कूल. दो इनको काफ़ी पसंद है, ये नो काफ़ी. और लोग इनका पेस्ट बना कर देते हैं इनको. मैंने काफ़ी देखा है फेसबुक पर और यू नो और अदर सोशल मीडिया ऑल्सो. इंडिया में काफ़ी लोग इनको पेस्ट बना कर देते हैं, पर आई डोंट नो वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ऐसे मेरे स्टूडेंट्स को खाना बहुत पसंद है. सो दिस इज़ इट फॉर टुडे. ऑल्दो मैं इसमें थोड़ा सा और कुछ डालने वाला हूँ, क्योंकि ये मेरी चुईया का है. As in sushi, chuiya, वो एक चुईया है. एंड माई हैंड लुक्स ग्रेट. मैं ऐसा लग रहा है जैसे कोई बचर हूँ. एनीवेज लेट्स गो. लुक एट हिम, ही इज ऑलरेडी वेटिंग फॉर हिज डिनर. नहीं डिनर नहीं, ब्रेकफास्ट आई वुड से, है ना. ओके वो रूठ चुका है. नंदे इज द मेल. मैं लाइट ज़्यादा जलाता नहीं हूँ, एज यू गाइज नो. लेट्स सी व्हाट ही विल चूज. ये वही है जिसे मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत थी और अभी भी है. पर खाने के आगे ऑब्वियसली सब कुछ फेल हो जाता है. अरे
क्या खाना खा ले बेटा। He just wants to give me a bite, I guess. ये सोच रहा है कि बस किस तरीके से मैं इसको बाइट करूं। ओके, उसने कॉर्न लिया और वो भाग गया। Anthea is like, "What's up, bro?" मुझे हर कोई चेकआउट करने आता रहता है ये लोग कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ। ओके, और वो वहीं पर बैठ गई है अब।